नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने आ रहा हूँ बवासीर, दांतों का दर्द और कमजोरी, सिर दर्द, गंजापन जैसी बीमारियों से छुटकारा दिलाने का कुछ आसान घरेलू उपाय। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा हम इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में अपमार के अनेकों गुणों का वर्णन किया गया है। यह पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होता है। इसके पत्ते अंडाकार होते हैं, 1 से 5 इंच तक लंबे और रोम वाले होते हैं। यह सफेद और लाल दो प्रकार का होता है। अपमार के डंठल व पत्ते हरे व भूरे रंग के होते हैं। इस पर जौ के समान लंबे बीज लगते हैं। दोस्तों, अगर आपके दांतों में दर्द है तो अपमार की शाखा मतलब कि डाली से दातुन करें। ऐसा करने से आपके दांतों में होने वाला कभी कभी तेज दर्द खत्म हो जाता है तथा मसूड़ों से खून का आना बंद होता है। अपमार के फूलों की मंजरी को पीसकर नियमित रूप से दांतों पर मसलन मंजन करने से दांत मजबूत होते हैं। सिर दर्द होने पर अपमार की जड़ को पानी में घिसकर उसका लेप बना लें और इसे अपने सर पर लगाने से सिर दर्द दूर हो जाता है। गंजापन होने पर सरसों के तेल में अपमार के पत्तों को जलाकर मसल लें और मरहम बना लें। इसे गंजे स्थानों पर नियमित रूप से लेप करते रहने से पुनः बाल उगने की संभावना होगी। बवासीर की बीमारी में अपमार की जड़, तना, पत्ता, फल और फूल को मिलाकर काढ़ा बनाएं और चावल के धोवन अथवा दूध के साथ पिएं। इससे खूनी बवासीर में खून का गिरना बंद हो जाता है। कमजोरी में अपमार के बीजों को भूनकर इसमें बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लें। 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित सेवन करने से शरीर में पुष्टता आती है और कमजोरी दूर होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊं कुछ ऐसा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।